सनी देओल वर्सेस सुनील शेट्टी वर्सेस गोविंदा वर्सेस बॉबी देओल। सनी देओल ने अब तक 84 फिल्मों में काम किया है, वहीं सुनील शेट्टी ने 110 फिल्मों में काम किया है, वहीं गोविंदा ने अब तक 165 फिल्मों में काम किया है, वहीं बॉबी देओल ने अब तक 43 फिल्मों में काम किया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट गोविंदा को मिलता है। सनी देओल की अब तक 31 फिल्में फ्लॉप रही हैं, सुनील शेट्टी की अब तक 66 फिल्में फ्लॉप रही हैं, गोविंदा की अब तक 51 फिल्में फ्लॉप रही हैं, वहीं बॉबी देओल की अब तक 29 फिल्में फ्लॉप रही हैं। यहाँ पर एक पॉइंट बॉबी देओल और सनी देओल को मिलता है। सनी देओल को अब तक 8 अवार्ड मिले हैं, वहीं सुनील शेट्टी को अब तक 7 अवार्ड मिले हैं, वहीं गोविंदा को अब तक 12 अवार्ड मिले हैं, वहीं बॉबी देओल को अब तक 3 अवार्ड मिले हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट गोविंदा को मिलता है। सनी देओल अपनी एक फिल्म के लिए 6 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं, सुनील शेट्टी अपनी एक फिल्म के लिए 4 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं, वहीं गोविंदा अपनी एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं, वहीं बॉबी देओल अपनी एक फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट सनी देओल को मिलता है। सनी देओल की नेटवर्थ लगभग 135 करोड़ रुपए है, वहीं सुनील शेट्टी की नेटवर्थ लगभग 150 करोड़ रुपए है, वहीं गोविंदा की नेटवर्थ लगभग 130 करोड़ रुपए है, और वहीं बॉबी देओल की नेटवर्थ लगभग 19 करोड़ रुपए के करीब है। तो यहाँ पर एक पॉइंट सुनील शेट्टी को मिलता है। तो इन चारों में से आपका फेवरेट कौन है कमेंट करके बताओ।